अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज जिस बारे में हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं वो है बाइक का जो मैग्नेट है, बाइक का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट की हमने क्लीनिंग करनी है और कॉन्टैक्ट पॉइंट को फ्रेंड्स रिप्लेस करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बिल्कुल सिंपल टूल्स इस्तेमाल करेंगे ताकि आप जो इंतहाई सिंपल टूल्स हैं उनकी मदद से अपने बाइक को घर पे भी आसानी से खोल सकें। कोई स्पेशल टूल, कोई मैग्नेट पुलर वगैरह, कोई स्पेशल टूल यूज़ नहीं करेंगे और बिल्कुल सिंपल टूल्स की मदद से हम बाइक का साइड कवर खोलेंगे, बाइक का मैग्नेट खोलेंगे और मैग्नेट प्लेट वगैरह खोलेंगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट वगैरह रिप्लेस करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताएँगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट के कनेक्शन आपको बताएँगे और इसके मैग्नेट के अंदर जो कॉइल्स लगी होती हैं वो कॉइल्स किस किस चीज़ की हैं वो आपको बताएंगे और उनके मुकम्मल कनेक्शंस की मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से बाइक का ये गियर लीवर और साइड कवर खोल लेते हैं और इनको खोलने के बाद फिर मज़ीद जो भी मालूमात हैं या रिपेयरिंग का तरीक़ाकार है फ्रेंड्स वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये फ्रेंड्स, हमने इसका गियर लीवर खोल लिया है। खोलने के बाद अब ये जो स्क्रू हैं इसके साइड कवर के, जल्दी से इनको खोल लेते हैं और इनको खोलने के बाद फिर इसका मैग्नेट जो है उसको इंतहाई आसान तरीके से खोलने और बाहर निकालने का तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करते हैं। तो उससे पहले जल्दी से इस साइड कवर को खोल लेते हैं। ये फ्रेंड, इसका साइड कवर हमने उतार लिया है। इसको उतारने के बाद अभी इसके मैग्नेट को खोलने का तरीक़ाकार फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करेंगे। ये फ्रेंड्स, बाइक को हमने स्टार्ट किया है तो स्टार्ट करके आपको चेक करवा देते हैं कि इसके पॉइंट में स्पार्किंग है। बहुत ज़्यादा खराब है पॉइंट, जिसकी वजह से हम इसको क्लीन करेंगे। अगर क्लीन करने से मसला हल ना हुआ तो फिर फ्रेंड इसको रिप्लेस करेंगे, इसका जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट। ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें मशीन की प्रॉब्लम है, बाइक थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद ही बंद हो जाता है अगर इसको नॉर्मल आरपीएम पे छोड़ा जाए। और इसके अलावा इसके पॉइंट में फ्रेंड्स पार्किंग भी है। वीडियो में दिखाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये हमने इसके अंदर जो इसके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके अंदर पार्किंग हो रही है। फ्रेंड्स, आप बाइक बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद इसके मैग्नेट को खोलने का और बाहर निकालने का मुकम्मल तरीक़ा जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम इसको खोलेंगे वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये फ्रेंड्स, आप जल्दी से मैग्नेट को खोल लेते हैं। इसके लिए हम 14 mm की सॉकेट लेंगे और मैं कोई स्पेशल टूल यूज़ नहीं करूँगा। ये मेरे पास एक स्पैनर है फ्रेंड्स, 12 mm का, 13-14 कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये लेके हमने इस तरह से इसकी जो लीवर की शाफ्ट है उसके ऊपर चढ़ा के और इसका एक है जिस तरह से मैग्नेट के अंदर फंसा के इसको लॉक करना है और लॉक करने के बाद ये 14 mm की सॉकेट की मदद से फ्रेंड इस तरह से हमने इसको जल्दी से खोल लेना है। ये फ्रेंड्स, एक ही नट होता है इसका 14 mm का, इसको हम खोल लेंगे और इसको खोलने के बाद फ्रेंड्स शाफ्ट के ऊपर से हमने इसको किस तरह से उतारना है वो तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको उतारने के लिए भी हम कोई स्पेशल टूल यूज़ नहीं करेंगे ताकि आप स्पेशल टूल ना ख़रीदते रहें और आसानी से इसको निकाल सकें। तो फ्रेंड्स, इस मकसद के लिए हमने एक फ़्लैट स्क्रू ड्राइवर लेना है। ये आप देख सकते हैं ऐसे फ्लैट स्क्रू ड्राइवर लगा कर इसको इस तरह से फंसाना है, हल्का सा इसमें जोर लगा के रखना है और ये इस तरह से चोट लगानी है। बस 2-3 दफ़ा चोट आप लगाएंगे शाफ्ट के ऊपर तो मैग्नेट हमारा निकल आएगा। ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैग्नेट हमने निकाल लिया है और इसकी जो कॉइल्स हैं, मैग्नेट प्लेट है और कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वो तमाम चीज़ें फ्रेंड्स आपके सामने आ गई हैं। ये फ्रेंड्स, इसमें 3 कॉइल्स लगी होती हैं, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट लगा होता है और एक इसके साथ कंडेंसर लगा हुआ है। ये फ्रेंड्स, इस तरह से कैम इसको पॉइंट को उठाती है और ये हमें इग्निशन की पल्स देता है। तो फ्रेंड्स, अभी जल्दी से मैग्नेट प्लेट को खोल लेते हैं और मैग्नेट प्लेट को खोलने के बाद इसका मुकम्मल जो
इंट्रोडक्शन है वो आपको देते हैं और इसके कनेक्शंस भी आपको बताते हैं। ये फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट पॉइंट का एक स्क्रू है, ये एक ही स्क्रू की मदद से लगा होता है और इसके नीचे एक डबल पिन होती है जो मैग्नेट प्लेट के अंदर फंसी होती है। तो ये फ्रेंड्स हमने इसको स्क्रू को खोल लिया और ये डबल पिन वगैरह निकाल के इस कॉन्टैक्ट पॉइंट का जो अब स्क्रू है छोटा उसको खोल के इसकी जो वायर है उसको रिमूव कर लेंगे। इसके लिए भी फ्रेंड्स मैं कोई स्पेशल स्पैनर या कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करता, सिंपल प्लायर की मदद से खोल के आपको इसका तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको अलग करना है। ये फ्रेंड्स का एक नट लगा होता है, स्क्रू का हम नट खोलना है और इसकी वायर जो है अंदर से निकाल लेनी है। इस तरह से हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो मैग्नेट प्लेट से अलग हो जाएगा। फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है इसमें मेन तीन पार्ट्स होते हैं, दो इसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं और तीसरा इसकी ये साइड पे एक हड्डी की फाइबर की हड्डी होती है जो कैम के ऊपर कॉन्टैक्ट पॉइंट को चलाती है। तो फ्रेंड्स ये आपको दिखाते हैं, ये इसके कॉन्टैक्ट्स आप दोनों देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक जो है वो बॉडी के साथ ग्राउंड होता है नीचे वाला और जो ऊपर वाला होता है फ्रेंड्स ये करंट को ब्रेक करता है जब ये आपस में कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से, देखें इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसके दोनों कॉन्टैक्ट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा कार्बन और वेल्डिंग के स्पॉट्स आ गए हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम रिप्लेस करेंगे। अभी फ्रेंड्स चलते हैं कॉइल्स की जानिब, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये फ्रेंड्स सबसे पहली कॉइल जो है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये हमारी बैटरी चार्जिंग की कॉइल है, ये स्टार्टिंग की है, ये हमारा कंडेंसर है जो स्पार्किंग ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है और फ्रेंड्स ये हमारी लाइट की कॉइल है। तो फ्रेंड्स ये जो प्लेट है इसको खोल लेते हैं और इसको मैग्नेट प्लेट को खोलने के बाद फिर इनके कनेक्शंस जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये फ्रेंड्स इसके दो स्क्रू लगे होते हैं, जल्दी से हम इनको खोल लेंगे तो हमारी जो मैग्नेट प्लेट है वो पूरी ही बाहर आ जाएगी। ये फ्रेंड्स आसानी से हमने दो स्क्रू खोल लिए हैं और इनको खोलने के बाद अभी हमारी जो मैग्नेट कॉइल है उसको बाहर निकाल लेंगे। ये फ्रेंड्स इस तरह से हमने एहतियात के साथ मैग्नेट कॉइल को बाहर निकाल लिया और अब हमारी जो न्यूट्रल की लाइट है उसकी जो वायर है फ्रेंड्स वो एक छोटा सा स्क्रू उसका लगा हुआ है, न्यूट्रल का जो सेंसर लगा हुआ है उसके ऊपर, तो ये हमने खोल लिया और इस तरह से हमारा जो मैग्नेट है वो पूरा मैग्नेट प्लेट जो है वो पूरी बाहर निकल आई है। तो फ्रेंड्स अभी इसकी वायरिंग का तरीकाकार आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स जो इसकी मेन कॉइल लगी हुई है, मेन कॉइल से वायर आ रही होती है और वो वायर फ्रेंड्स जो है डायरेक्ट ऊपर हमारी अग्निशन कॉइल की जानिब जा रही होती है। तो फ्रेंड उसका जो उसकी मेन वायर होती है एक साइड उसकी जो है वो मैग्नेट प्लेट का जो स्क्रू होता है इसके अंदर ग्राउंड की होती है, जबकि दूसरी जो वायर है वो फ्रेंड्स अग्निशन कॉइल की जानिब जा रही होती है और उसके अंदर ही हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है ये आप देख सकते हैं ये वायर आ रही है, इसके अंदर ही हमारा ये कंडेंसर भी लगा हुआ है और हमारे कॉन्टैक्ट पॉइंट को भी यही वायर ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आई हुई है। तो फ्रेंड्स पार्ट टू में मिलते हैं, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।